हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर CONCACF का चैंपियंस कप का मैच हो रहा है, जो कि क्लब अमेरिका एंड न्यू इंग्लैंड रिवोल्यूशन के बीच खेला जाएगा। अभी पहले एक मैच हुआ था 6:15 बजे, इसकी वीडियो डाली थी भाई, अमेजिंग मैच था ये भी। और ये क्लब अमेरिका का भी पहले एक मैच हो चुका है न्यू इंग्लैंड रिवोल्यूशन के साथ, इन्हीं दिनों, आई थिंक 2 हफ्ते हुए होंगे, 2 हफ्ते से भी कम। तो उसमें आपने देखा ही था क्या हुआ, जिन लोगों ने खेला होगा उनको क्लियरली पता होगा। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, यहाँ पर टीम ओपन आपको मिल सकती है। अगर कल मैंने शेड्यूल दिया देन अमेजिंग टीम कोई ओपन मिल जाएगी। एंड गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं क्लब अमेरिका का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक्चुअली मैक्सिकन लीग के अंदर क्लब अमेरिका जो टीम है वो अमेजिंग टीम है। एक्चुअली मैं इस टीम को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और कभी भी भाई धोखा नहीं देती टीम वो। जबकि न्यू इंग्लैंड रिवोल्यूशन अपने में अच्छी है मेजर लीग सॉकर में, बट मेरी नज़र में न्यू इंग्लैंड रिवोल्यूशन थोड़ी डाउन हो गई है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। बट कि गोल आ सकता है, ऐसी बात नहीं। क्लब अमेरिका अगर 2 करेगी तो वो 1 करेंगे, ये 4 करेंगे तो वो 2 करेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्राइकिंग की, दैन स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं लूँगा जी क्विनेंस को। एक्चुअली पिछले मैच में क्विनेंस तो नहीं खेला, बट मार्टिन खेला था। लेकिन मार्टिन तो चलो मेरे फर्स्ट प्लेयर है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मार्टिन ही है इस मैच में। उसके बाद क्विनेंस अगर खेला तो मैं ज़रूर लूँगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। हाँ, अगर वही पिछले मैच की तरह हाल हुआ, अगर मान लीजिए क्विनेंस नहीं खेला या सच्ची में अगर आज भी ये बंदा इंजर्ड है, तो फिर आप आई हर्नांडिस को मत लेना। फिर आपने पिछली बार की तरह वो वाला काम करना है, फिर आपने लेना है चैंकले के बाद विरोनी, जो मैंने आपको लास्ट मैच में सिखाया था, सेम वो ही कर देना, कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने मार्टिन को लो, चैंकले को लो, इन दोनों को कंफर्म रखो। ठीक है, उसके बाद इसको अभी आप कंफर्म मत रखो, इसको अभी आप ड्रॉप आउट में रखो, क्योंकि क्विनेंस अगर ना खेला फिर विरोनी को ले लेना बस। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, जेंडिजस का एक गोल आया था नेक्स्ट मैच में, देखो उस मैच में तो इसने किया था, उसके बाद भी एक सब्स्टिट्यूशनल गोल आया था। जेंडिजस की फॉर्म आ गई भाई, पहले फिडाल्गो अच्छा कर रहा था, लेकिन जब इनका हमेशा होता, आप कभी भी देखना, जिस दिन जेंडिजस फ्लॉप होगा उस दिन फिडाल्गो चलेगा, जिस दिन फिडाल्गो चलेगा उस दिन जेंडिजस फ्लॉप, इन दोनों का है। एंड वेल्डिस की अगर बात करें, देखिए वेल्डिस पुराना प्लेयर है इसलिए मैं इसको हर बार लेता हूँ। उसके बाद सी गिल एंड एन गिल करके कोई प्लेयर है इनका, एन गिल, हाँ इस पर बहुत ट्रस्ट हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने, आप ये लगा लो, मैं जे डिल रोसन को नहीं ले रहा क्लब अमेरिका के एक अमेजिंग प्लेयर को, जो भी ऐड हुआ है, पहले ये बंदा जैक्स टीम में था, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रस्ट दिखाना है और दोनों टीम्स में। एंड बात करें डिफेंडिंग की, यहाँ पर कैलडेरॉन, उसके बाद लिचनोवस्की खेला तो ठीक है, क्योंकि ये बंदा उतना अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि ये मेन बन गया ना, अब इसको सिखा दिया कि ऐसे खेल धीरे खेल। ठीक है, एंड अगर आगे से बात करें देन आयरियस को यहाँ पर थर्ड डिफेंडिंग करता देखा, कैक्रस से बेटर किया इसने, इसलिए मैं इन तीनों के साथ जाऊँगा। एंड अगर बात करें गोल कीपिंग की, तो अगर एच रवस खेलता है तो मैं ज़रूर लूँगा, बट पिछले मैच में इन्होंने एडवर्ड्स को खिलाया था, रीज़न मुझे नहीं पता है, शायद रवस को इंजरी होगी, बट इनका प्रॉपर रीज़न नहीं आया कोई, इसलिए एडवर्ड्स को लेना पड़ेगा। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है हमारा मार्टिन, एंड वाइस कैप्टन अगर क्विनेंस को रखो, अगर क्विनेंस आज भी नहीं खेलता तो आप विरोनी को ले लेना और अपना वाइस कैप्टन वेल्डिस को रख देना। ये आपकी सेकेंड टीम है, ये आपकी फर्स्ट टीम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।